पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक सभा संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने की और संचालन महामंत्री फहीम अनवर कुरैशी ने किया। बैठक में अजय अग्रवाल ने अपने विचारों में कहा कि महानगर में व्यापारियों के साथ लूट डकैती की घटनाएं चरम सीमा पर है। प्रशासन से मांग करते हुए कहा गया कि व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा की जाए। महानगर में सड़कों की हालत खस्ता है, सड़कों में गड्ढे हैं, जिस कारण आम नागरिकों को चोट लग रही है। नगर आयुक्त से मांग की गई कि सड़कों को बनवाया जाए और दवाई का छिड़काव कराया जाए। जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। इस दौरान हरीश भसीन को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया और पवन कुमार अग्रवाल को जिला महामंत्री का पद सौंपा गया। ऐसा है कि मुझे प्रदेश में अभी एक मीटिंग हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मौजूद थे, मुझे जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया और आज महानगर के कार्यकारिणी ने एवं महानगर के अध्यक्ष जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं मेरे बड़े भाई अजय अग्रवाल जी ने हमारा इसमें स्वागत किया और इसी टीम में हमारी जिले की कार्यकारिणी गठित हुई। हमने जिला कार्यकारिणी में सभी लोगों को समावेश किया है, विभिन्न व्यापार से जुड़े हुए लोग वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी सम्मिलित किए गए हैं और मेरा तो इसमें एक ही बात कहना है कि हम व्यापारियों की समस्याओं को पूरे स्तर पर, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसको समाधान किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें कहीं भी लड़ना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, किसी भी व्यापारी का, चाहे वो किसी ट्रेड में है, चाहे छोटा उद्योग चलाता है, बड़ा उद्योग चलाता है, किसी भी अवस्था में किसी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बड़े हर्ष की बात है कि श्री हरीश भसीन जी को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और जिस तरीके से आज इन्होंने टीम बनाई है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जब जब जरूरत पड़ेगी व्यापारियों को, हम सब जो है उनके लिए तत्पर रहेंगे और व्यापारियों को पेंशन दी जाए, जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को उत्पीड़न बंद किया जाए, मुरादाबाद की सड़कों को ठीक किया जाए, गड्ढों को तुरंत सही किया जाए और बिजली की व्यवस्था सही हो, आग मिचौनी नहीं होनी चाहिए और व्यापारी के साथ जो भी उत्पीड़न करेगा हम उसका घनघोर विरोध करेंगे।